नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा के बिहार कैडर के अधिकारी संजीव हंस और राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक गुलाब यादव को धन शोधन मामले में गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने दोनों आरोपी को पटना के बेउर जेल भेज दिया। अब इन दोनों की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हुई है। संजीव हंस और गुलाब यादव के ऊपर आय से अधिक संपत्ति और अपने पद के दुरुपयोग का आरोप लगा है। संजीव हंस के पटना स्थित सरकारी आवास पर शुक्रवार को पूरे दिन ईडी की टीम मौजूद रही और आखिरकार देर शाम तक उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इधर गुलाब यादव को दिल्ली के रिसॉर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये गिरफ्तारियां हुई है। संजीव हंस को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पसंदीदा आईएएस अधिकारियों में गिना जाता है और उन्हें नीतीश सरकार में उस वक्त महत्वपूर्ण पोस्टिंग मिलती रही। संजीव हंस की बात की जाए तो 1997 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं। संजीव हंस के पिता भी भारतीय प्रशासनिक सेवा में थे और संजीव हंस ने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया हुआ है। बिहार के बांका जिले में उनको पहली पोस्टिंग मिली थी और इसके बाद कई जिलों में डीएम पद पर रहे और नीतीश कुमार के करीबी अधिकारियों में गिने जाते हैं। बाद में विद्युत विभाग का जिम्मा भी उन्हें दिया गया। वो जल संसाधन और स्वास्थ्य विभाग में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। शुक्रवार की देर शाम गिरफ्तारी के बाद ईडी ने संजीव हंस को विशेष कोर्ट में पेश किया, जहां से 29 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया। लगभग रात के 12:30 बजे उन्हें बेउर जेल भेजा गया, जबकि पूर्व विधायक गुलाब को ईडी शनिवार को दिल्ली से पटना लेकर आएगी। और शुक्रवार की दोपहर में ही इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि संजीव हंस को गिरफ्तार किया जा सकता है। उनके पटना स्थित सरकारी आवास के अलावा एक अन्य ठिकाने पर भी छापेमारी चल रही थी। वहीं दिल्ली के 3 ठिकानों पर भी ईडी की टीम ने शुक्रवार को पूरे दिन छापेमारी की, जिसके बाद से ये गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि ईडी की पहल पर बिहार की विशेष निगरानी इकाई ने संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था और इसके साथ ही विशेष निगरानी की कार्रवाई के आधार पर ईडी कुछ दिन पहले ही आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव, संजीव हंस की पत्नी के साथ साथ अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करके पूछताछ कर रही थी। बहरहाल इस पूरे मामले पर अब 2 गिरफ्तारियां हो चुकी है। संजीव हंस पुलिस के गिरफ्त में है, इसके साथ ही गुलाब यादव पर भी ईडी का शिकंजा कस चुका है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।